Hello again, my lovely! Welcome back again to my channel. This is Christine. In this episode, I'm gonna be doing another reaction video to Vivi Key Vine's. It's called Plus Minus by, I think he's with another actor or actress, Divya Dutta and Bhuvan Bam, short film, Vivi Key Vine. Alright, I'm excited to do this, and it's been a while since I reacted to Vivi Key Vine's. Alright, let's go! Remembering Boo. Who is Boo? जिंदगी झंड कर रखी क्या है शादी होगी तेरी नहीं कुड़माई हुई कभी मत कर शादी तो कभी मत करना जिंदगी ना बर्बाद हो जाती है ये जो कस्में वादे करते ना एक दूसरे को खुश रखने कुछ साल में सारे खत्म मेरी बात मान सिंगल रह ऐश कर नहीं तू बिलीव नहीं कर रहा ना मेरी बात छोटा है ना समझ नहीं आ रही तेरे क्या इस उम्र में ना हरभजन सिंह सब कुछ बड़ा प्यारा प्यारा लगता है आप थोड़ी चाय पी लो जी हाँ मैं पी लेती भैया तुम पियो तो सीधा मैं एक चाय देना कितने की दस की गरम है ना गरम अच्छा बोल मैं भी तो सुनूं आजकल की यूथ को शादी करनी क्यों बोल She must have been a bad experience. मैं साल भर डोकलाम इंडो चाइना बॉर्डर पे पहरा देता हूँ वहाँ ना सोचने का ढेर सारा वक्त मिलता है और वहाँ पहरा देते देते मैंने ये तो समझ लिया है कि हमारी जिंदगी हम सबकी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है The war? हाँ हमारी लाइफ किसी लड़ाई से कम थोड़ी है सबसे पहले पैदा होने की लड़ाई फिर उसके बाद स्कूल फिर पढ़ाई फिर नौकरी और हम जैसों की नौकरी मतलब पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ाई हमारे इर्द गिर्द ना लड़ाई और जंग की निशानियां हैं आपको पता है इस ट्रेन की रूट पर दो दो जंग के मैदान हैं पानीपत और कुरुक्षेत्र अच्छा और फिर शादी करो और अपनी मिसेज से लड़ते बैठो मैंने देखा मेरे परिवार में मैंने तो सोच लिया ये मेरे साथ नहीं होना वैसे भी एक फौजी को साल में एक महीना मिलता है घर जाने का उसमें भी लड़ते बैठो फिर तो तेरा सही है तेरी ना मम्मी अच्छी होगी मेरी सास की तरह नहीं तेरा ना ससुर बहुत पहले सुधार गए थे अब ना मेरी सास अपने बेटे की हर बात में अपना नाक घुसा देती है अच्छा एक बात बताओ एक औरत है जो कि बेवा है और उसकी एक ही औलाद है उसकी तो पूरी जिंदगी उस औलाद के आगे पीछे ही गुजरेगी ना और जब वो औलाद अपना घर बसाएगा शादी करेगा तो फिर माँ को अकेलापन तो महसूस होगा ही ना तो ना कराए ना शादी बांध के रखे अपने कुमारे बेटे को अपने दुपट्टे से ऊपर से दिल्ली छुड़वा दिया 8 महीने पता नहीं कौन से गांव में जाके रहना पड़ रहा है मुझे उनके साथ मेरी ना लाइफ टोटल खराब हो गई है सच्ची आपकी तो लव मैरिज थी हाँ लव अरेंज थी जीत ने ना मुझे रिंकू की शादी पे पसंद किया था फिर तो जी फोन आने शुरू हो गए मेरी सास तो पीछे ही पड़ गई थी पापा जी के हमें तो डिब्बी चाहिए मैनू की पता कि बहू नहीं चाहिए कठपुतली चाहिए जिसे सब कह सके वैसे ही करे मेरी लाइफ है मैं अपने स्टाइल से जीऊँ
आपको पता है ना, बंदे ज्यादातर अपनी माँ जैसी लड़कियों को पसंद करते हैं। नहीं मतलब कुछ लोग होते ही हैं प्लस माइनस। आपकी सास ने भी आपको इसलिए चुना होगा क्योंकि आप बिल्कुल उनकी तरह हो। उनको भरोसा होगा कि उनके बाद आप ही उनके घर का ख्याल रखोगे, उनके बेटे का ख्याल रखोगे, सबसे निभा कर चलोगे। गांव भी आपको इसलिए बुला लिया होगा ताकि आप उनके तौर तरीके समझो। चलिए आप उनकी कुछ एक माइनस बात बताइए, मैं उसमें से आपको कुछ प्लस ढूंढ के बताता हूं। क्या रैपिड फायर? जो मर्जी बुला लो। मम्मी जी ना बढ़िया खड़ो है। वो स्वाभिमानी है, अधिकार जताती है, प्यार करती है, हर चीज पे तो कंट्रोल करती है। 70 के कहीं कोई गलती ना हो जाए। आप भी तो वैसी हो ना, सतर्क, स्वाभिमानी, सबका ख्याल रखने वाली। वैसे ना मम्मा ने, तेरी मम्मी ने मुझे पूरा समझा के भेजा था कि बेटा ससुराल में जाके ना मायके वालों का नाम बहुत रोशन कर। जब पर मेरी सास कोई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती तो क्या नाम रोशन करूं मैं? कोई नहीं, मैं भी अपनी लाइफ अब अपने कंट्रोल में ले रही हूँ। सामान लेने जा रही हूँ फिर दिल्ली वापस। मैं नहीं रहना चाहती। मैं ओए तू क्या मुंह फुला के बैठा है? तू तो जा रहा है अपनी मंगेतर के पास। जा खुश रख उसको। आपको क्या लगता है सारी दुनिया परफेक्ट है और आप ही को प्रॉब्लम पति मिला है? निम्मी और मेरी भी झगड़े होते हैं, वो भी चिट्ठियों में। वहां है आपका फोन वो नहीं चलता और गुस्से वाली चिट्ठी भेजते ही दोनों को उसके जवाब का इंतजार करना पड़ता है हफ्तों, पर अगली चिट्ठी आने तक गुस्सा भी शांत हो जाता है और प्यार भी डबल। मैं जब भी उससे गुस्सा होता हूं ना, एक लिस्ट बना लेता हूं, 5 प्लस की लिस्ट और 5 माइनस की लिस्ट। प्लस में तो उसकी कई अच्छी आदतें लिख देता हूँ, 5 से ज्यादा, लेकिन माइनस ढूंढते ढूंढते घंटों बीत जाते हैं। आप भी जीत प्राजी वास्ते एक लिस्ट बना दो, फिर देखते हूँ कितने बुरे इंसान हैं। पूरी लिस्ट पर जानी है माइनस से, देखते हैं। चलिए अब यहीं सो जाइए, मैं ऊपर सो जाता हूँ। She can think about minuses about her husband. I think it's mama's boy with a question mark. हाँ जी। तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, तेरी फोन का वेट कर रहा था। तुम्हें कैसे पता मैं फोन करूंगी? बस। अच्छा सुनो, कल मुझे स्टेशन लेने आ जाना कपूरथला। बिल्कुल, तेरी ट्रेन आ जाएगी 4:45 को, मैं आ जाऊंगा 4:15 को। इतनी जल्दी आके क्या करोगे? स्टेशन पे आके झाड़ू मारना है। सुनो, 4:40 से पहले बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, और आने से पहले फोन कर लेना कि कहीं ट्रेन लेट तो नहीं है। ठीक है ना। अच्छा सुन, जलंधर में जब ट्रेन चेंज करेगी ना तो प्लीज संभल के करना, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे आता है अकेले ट्रैवल करना। ठीक है, तो फिर गुड नाइट। ओके सुनो जी, वो मम्मी जी को पैरी पोना कहते। अच्छा ओके बाय। Ed's coming.
the captain. तो मर गई नोटबुक? तो पढ़ा गया नहीं है। पता है हम फौजियों की जिंदगी है ना, बस एक पल से दूसरे पल तक होती है। कब प्लस से माइनस हो जाए पता ही नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम रिटायर होंगे या शहीद। तो हम जितना भी जीते हैं उसमें से हर एक पल से जिंदगी निचोड़ के जीते हैं। पर आप लोग तो सिविलियन हो, आप लोगों की लाइफ तो कितनी सेफ होती है। तो आपकी इतनी लंबी लाइफ में ना जाने कितने ऐसे पल होते होंगे जिसमें से आप खुशियां और प्यार निचोड़ के जी सकते हो। अब तेरे को और निमी को ना बहुत सारी खुशियां और ढेर सारा प्यार। रब ने तो मेरे मंगन तो पहले ही मैंने बहुत कुछ दे दिया था। सुन तू कहां तक जा रहा है? कपूरथला। ले मैं भी तो वहीं जा रही हूँ। सीट नंबर क्या है? टिकट तो वो ले गए। चल कोई नहीं, स्टेशन उतर के मिलना ठीक है। मैंने ना तेरा इंटरव्यू कराना है चीज से। देखना लोग कैसे मिल जाते हैं ना। एक ट्रेन मेरी आगे पीछे हो जाती ना तो तूने मुझे कहाँ मिलना था। मैं भी हर साल लीव पे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ही लेता हूँ, बस इसी साल वो रूट अलग पड़ गया। शायद आपसे मिलना लिखा था। She has a big smile on her face. किससे? उसी की वजह से तो फोन किया मैंने तुम्हें। अच्छा फिर तो मिलना चाहिए। कौन है यार? फौजी है। उसका नजरिया देखोगे ना तो कमाल। ए ओए सुनो, वो हरभजन सिंह कहाँ है? वही जिसका लगेज उठा के आप आए थे, सलूट कर रहे थे जलंधर स्टेशन पे उतर के। आप बाबा जी की बात कर रहे हो क्या? बाबा जी 22-23 साल का लड़का था इसके जितना होगा। हाँ पर बातें तो बाबूजी वाली कर रहा था। मैडम जी वो 22-23 साल के थे तब निकल लिए। हाँ आप किसी और से बात कर रही होंगी। क्या क्या कह रहे हो? ये देखो मेरी टिकट। सामने बैठा था बर्थ पे, मैंने उसका बैज भी पढ़ा है। ऐसा ही बैज था, तुम जैसा हरभजन सिंह लिखा था उस पे। क्या बात है सर जी, सब ठीक तो है? आप इनकी बात कर रही थी? हाँ यही तो है हरभजन। अच्छी खासी बातें कर रहा था मेरे साथ ये, और आप कह रहे हो निकलिए, कोई बात है? कमाल है ऐसे। आप लोगों की गलती नहीं है। इंडिया के लोगों को ना एक्टरों और क्रिकेटरों के अलावा किसी और की स्टोरियां नहीं पता होती। कोई बात नहीं, जाइए घर जाइए। और हाँ ढूंढ लीजिएगा इंटरनेट इंटरनेट पे। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक सच्चे सिपाही थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ और उनकी मृत्यु सिक्किम के नथुला पास में 4 अक्टूबर 1968 में हुई। जब वो 3 दिनों तक लापता रहे उनके अफसरों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर इस अ रियल लाइफ स्टोरी। वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और उनको अपने शव का ठिकाना बताया। सर्च पार्टी को हरभजन सिंह की बॉडी ठीक उसी जगह मिली। ये तो हरभजन सिंह के मृत्यु के बाद की घटनाओं की बस शुरुआत थी। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर
उनकी आत्मा पहरा देती रही। हिंदुस्तानी सिपाहियों के सपनों में आकर हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते। रात को पहरा देने वाले सिपाही अगर पलक झपकते। Really? Is this for real? That gives me shivers. पत्ते उनको एक जोर का चाटा महसूस होता, मानो किसी अफसर ने उन्हें चाटे से जगाया हो। देश ने 26 जनवरी 1969 को हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। आर्मी उनकी तनख्वाह हर महीने उनके माता पिता को भेजती। उनके लिए आर्मी ने एक मंदिर भी बनवाया, जहां आज भी भक्त दर्शन लेने और राष्ट्रगान गाने आते हैं। हरभजन सिंह जो सिपॉय रैंक में रहते हुए शहीद हुए, उन्हें आर्मी प्रमोट किए जा रही थी। हरभजन सिंह की लीव हर साल सैंक्शन होती और हर साल 2 फौजी उनका सामान उनके गांव कपूरथला ले जाते। उस दौरान उनका कैंप हाई अलर्ट पर रहता। कुछ साल बॉर्डर पर भारी तनाव के समय उनकी लीव कैंसिल भी की गई। समझौतों के वक्त हिंदुस्तानी क्या चीनी भी उनके लिए एक कुर्सी खाली रखते थे। वो बतौर कैप्टन दिसंबर 2006 में रिटायर हुए। बाबा हरभजन सिंह को वतन का सलाम। That's sad because he said that he is about to get married, right? Ouch. That was a very good movie. Wow. That gives me shivers when the soldier says he's already dead. Now I totally understand why the soldiers look at the lady like look at her so strange. And this is a very amazing, inspirational short film movie. Actually, BBQ Vines did a great job, you know, of the acting. He's really amazing. And also when the narrator says that he actually visit some of the army in their dreams to, you know, to find his body in the exact same location, and also the plans of the Chinese soldiers. Wow, that's crazy. And thank you so much for watching this video. I hope you love my reaction to this one. And if you did, hit like, click subscribe, and comment down below for more requests. I'll see you again next time. Bye!